बाल, बाल महाभारत कथा का के भीम और हनुमान अध्याय नंबर सतारह क्लास सेवंथ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू फॉर योर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स तैयार हैं आप चलो शुरू करते हैं युधिष्ठिर शब्द का समास विग्रह और भेद बताइए अब युधिष्ठिर शब्द शब्द का जो है समास विग्रह करना है आपको समास आते हैं आपको विग्रह और संधि करना तो आपको पढ़ने पड़ेंगे युद्ध और स्थिर इसका मतलब है युद्ध और स्थिर ध्वंस समास है इसमें या फिर युद्ध में स्थिर रहने वाला बहुविरी समास है युधिष्ठिर का अर्थ बताना है ना आपको युद्ध है जो स्थिर कर्मधारय समास है जल्दी बताओ जल्दी सोचो कौन सा समास है युधिष्ठिर में और युधिष्ठिर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है जो बच्चे बोल रहे हैं बी बिल्कुल सही युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है उसमें बहुब्रही समास है सैरंद्री किसका नाम था किसका नाम था सैरंद्री? द्रौपदी का कुंती का या फिर गंधारी का तो जो बच्चे बोल रहे कुंती का वे तो हैं गर्ट सरंद्री जो था बच्चो और द्रौपदी का नाम था विशाल विलोम विशाल श... का जो विशाल का विलोम शब्द क्या होगा क्या होगा सोचो जरा विशाल का विलोम शब्द छोटा बड़ा या फिर लघु अब हिंदी है हिंदी में जैसा वर्ड वैसा ही उसका विलोम शब्द विशाल मीन बड़ा तो उसका ओपोजिट क्या हुआ लघु इसमें धोखा खाते हैं बच्चे विशाल का छोटा भी लिख देते हैं तो ये शब्द के अनुसार ही चेंज होता है बच्चों मार्ग में लेटा हुआ बंदर कौन था जल्दी बताओ जल्दी नील हनुमान या फिर सुग्रीव ये तो सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं शाबाश बच्चों हनुमान ये पिक्चर देख रहे हैं आप पीछे बैकग्राउंड वो भी उन्हीं का लगाया हुआ है मार्ग में लेटा हुआ ना कौन लेटा है बंदर बंदर कौन है हनुमान जी नजर आया भीम और हनुमान का मिलन कहाँ हुआ था अब दोनों कहाँ मिले थे नदी के तट पर या बगीचे में या पहाड़ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखो ये कहाँ का चित्र है बगीचे का तो दोनों का मिलन कहाँ हुआ था बगीचे में उपदेश में कौन सा उपसर्ग है उपदेश शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है बच्चों उप या देश तो बच्चों जो प्र, उपसर्ग होते हैं वह शब्द शव से पहले लगाए जाते हैं इस इसकी यही निशानी है ए, कि जो पहले लगता है उस उसी को उपसर्ग कहते हैं तो उप उप जो है इसमें उपसर्ग है उप उपसर्ग है पाठ में मान के लिए एक अन्य कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है आपको हनुमान के नामों के बारे में पता है क्या क्या बुलाते हैं उसको तो उसमें से पाठ में दूसरा नाम कौन सा उसका पवन पुत्र बानर या फिर मारुति तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बानर वह तो गलत है बेटा मारुति जो है हनुमान का दूसरा नाम पाठ में प्रयोग हुआ है सुगंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है अब प्रत्यय और उपसर्ग दो टॉपिक होते हैं ये तो दोनों की डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है कि जो शब्द से पहले लगता है पहले भाग में वो उपसर्ग कहलाता है और अंतिम पार्ट में प्रत्यय कहलाता है अब सुगंधित में कौन सा प्रत्यय है इत धित या फिर सु तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही देखते हैं और लास्ट वाला वो लगा देते हैं धित जैसे दित है लास्ट वाला शब्द लगा दिया कि ये प्रत्यय नहीं बच्चो उसमें मात्रा का जोर चलता है मीन उसमें देखना है कि मात्रा कौन सी लगी है छोटी की या बड़ी की तो इत के आवाज आ रही है ना तो इसमें सुगंधित इत प्रत्यय है मात्राओं को देखना है आपने ध्यान में भीम के मन में ताकतवर लोगों के लिए कौन सा भाव था कौन सा भाव रखते थे ताकतवर लोगों के लिए भीम प्रशंसा का श्रद्धा या फिर आश्चर्य भाव तो कौन सा भाव रखते थे श्रद्धा भाव हनुमान ने भीम को क्या आशीर्वाद दिया क्या आशीर्वाद दिया था हनुमान ने भीम को आयुष्मान होने का यशस्वी होने का या फिर विजयी होने का तो जो बच्चे बोल रहे हैं विजयी होने का बिल्कुल ठीक वेरी गुड आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है जो बच्चे लेसन नहीं पढ़ते उनको समझ कम आता है प्रश्नों के उत्तर बच्चों लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बंदर ने अपनी क्या समर्थता दिखाई बूढ़ा हूँ मैं अच्छे से खा पी नहीं सकता बूढ़ा हूँ मैं अच्छे से चल फिर नहीं सकता या फिर बूढ़ा हूँ मैं मुश्किल से उठ बैठ सकता हूँ तो कौन सी असमर्थता दिखाई थी हनुमान जी ने कि मैं बूढ़ा हूँ मैं मुश्किल से उठ बैठ सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं उठ बैठ ही सकता हूँ तो ये थे हमारे कुछ एम सी के प्रश्न अच्छा तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा था एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स.